ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से अनिरुद्ध प्रद्युम्न के जो बेटे थे वो जब लगभग 4 महीने तक वापस नहीं आए, पूरा चतुर्मास बीत गया था, तो यदुवंश के लोगों के अंदर में चिंता बढ़ने लगी। वो अनिरुद्ध के बारे में सोचने लगे कि कहाँ चले गए और किस प्रकार से वो अपने महल के अंदर से एक प्रकार से गायब हो गए और उनका कोई अता पता नहीं है। उस समय में नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए और सारी उन्होंने कथा कह सुनाई, किस प्रकार अनिरुद्ध को वहां से उठा करके ले जाया गया और बाद में अनिरुद्ध ने बाणासुर के सभी सैनिकों का वध किया, लेकिन उसके पश्चात बाणासुर ने नागपाश के द्वारा उनको बंदी बना लिया। अब यदुवंश के लोग सब मिलकर के उन्होंने 18 अक्षौणी सेना एकत्र की और अब इन्होंने शोणितपुर उसके ऊपर धावा बोल दिया। तो जब बाणासुर को खबर मिली कि यदुकुल के सैनिक आकर के द्वारों को तोड़ रहे हैं, उसके जो किले हैं उसको तोड़ दिया गया है, तब उसने तुरंत अपनी सेना जो यदुकुल की भांति ही अत्यंत शूर्यवान थी, शक्तिशाली थी, उसने जो है अपनी सारी सेना को अब टकराव के लिए भेज दिया। भागवतम में आगे बताया है, क्योंकि बाणासुर ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि आप स्वयं मेरी नगरी में रहिए मेरी रक्षा करने के लिए, अगर कोई दुश्मन मेरे ऊपर आक्रमण करेगा मेरी नगरी के ऊपर, आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। तो अब ये समय आ गया था, तो स्वयं शिव भगवान शिव जी उसके एक कमांडर के रूप में, सेना नायक के रूप में, स्वयं अपने बेटे गणपति और कार्तिकेय के साथ में अब जो है युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण के साथ निकल पड़े। तो हम केवल अंदाजा मात्र लगा सकते हैं कितना घोर ये युद्ध होगा, क्योंकि एक तरफ स्वयं शिवजी हैं जो तांडव नृत्य करके इस पूरे संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड की, इसकी सृष्टि का प्रलय करते हैं, और उनके साथ में उनके शौर्यवान बेटे हैं कार्तिकेय और गणपति, और दूसरी तरफ स्वयं कृष्ण जी हैं बलराम जी के साथ में। भागवत में कहा है, जिस भी व्यक्ति ने अपनी आंखों के द्वारा ये महायुद्ध देखा उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इस प्रकार का भीषण युद्ध जो है कृष्ण और शिव जी के साथ में इस प्रकार से हुआ। भागवत में कहा है, शिव जी को भूतनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी बड़ी सेना भूत प्रेत पिशाच अनेकों प्रकार के, इस प्रकार के लोग हैं जो उनकी सेना के अंदर में है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले इन सारी भूतों को पिशाचों को अपने धनुष के द्वारा भगवान ने बिखेर दिया, ये सब उन्होंने जो है भागना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में स्वयं
शिव जी ने अब सोचा, क्योंकि भागवत में बताया है कि कृष्ण एक तरफ और शिव जी एक तरफ प्रतिद्वंदी के रूप में आपस में भिड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे। प्रद्युम्न जो है वो कार्तिकेय के साथ में युद्ध कर रहे थे। बलराम जी जो हैं बाणासुर का एक और सेना का नायक था, उसका नाम था कुंभा अंधा, उनके साथ में वो भिड़ रहे थे, उनके साथ में उनका युद्ध चल रहा था। और कुंभांधा के साथ में और एक उसका सेना का नायक था जिसका नाम था कूपकर्णा। तो ये दोनों मिलकर के बलराम जी के साथ में युद्ध कर रहे थे। तो सबसे पहले कृष्ण ने इनके सारे भूत के सेनाओं को तितर बितर कर दिया। तो जब शिवजी ने देखा कि उनके सैनिक इस प्रकार से बिखर गए हैं, तो स्वयं उन्होंने जो है अपनी कमान संभाली। उन्होंने एक एक करके बड़े ही विशेष अस्त्रों का प्रयोग किया कृष्ण जी के ऊपर। सबसे पहले शिवजी ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिसके द्वारा बवंडर आ जाता है। तो जब बवंडर आता है तो धूल बहुत उड़ती है, तो बवंडर को रोकने का एक ही तरीका होता है, अगर एक बड़ा पहाड़, विशाल पर्वत उसके सामने आ जाए तभी जो है वो बवंडर रुक सकता है। तो भगवान कृष्ण ने अपना अस्त्र छोड़ा जिसके द्वारा एक पहाड़ के रूप में निर्माण हो करके इस बवंडर को खत्म किया। शिवजी ने बाद में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, कृष्ण ने अपनी तरफ से अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और ये दोनों ब्रह्मास्त्र जो है एक दूसरे को विफल उन्होंने कर दिया। इसके बाद में शिवजी ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिसके द्वारा बहुत अग्नि प्रज्वलित होती है, वो भी एक प्रकार की ब्रह्मास्त्र की तरह ही एक अस्त्र है। और हम जानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा अग्नि हो, बहुत ज्यादा बिजली हो, तो उसका शमन केवल पानी के द्वारा हो सकता है। तो भगवान कृष्ण ने प्रतिद्वंदी के रूप में अपना अस्त्र छोड़ा जिसके द्वारा घनघोर बारिश हुई और इस अस्त्र का भी शमन हो गया। अब इतने बार विफल होने के पश्चात भगवान शिव ने अपना पशुपात अस्त्र छोड़ा। उनका पशुपात अस्त्र जो है अत्यंत भयंकर अस्त्र है, उसका निवारण केवल एक है और वो है नारायण अस्त्र। तो भगवान कृष्ण ने अब अपना नारायण अस्त्र छोड़ा और पशुपात अस्त्र को भी भगवान कृष्ण ने विफल कर दिया। तो अब इतने घोर संग्राम के बाद में शिव जी जो है ऑलरेडी थोड़े थक गए थे। अब भगवान ने इसका फायदा उठाया, कृष्ण ने इसका फायदा उठाया, और कृष्ण ने और एक विशेष प्रकार का अस्त्र छोड़ा। इस अस्त्र के द्वारा जो प्रतिद्वंदी होता है उसको जंभाई आ जाती है। जब नींद आती है ना तो हम लोग जंभाई लेते हैं, योनिंग जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अब जो है शिव जी बिल्कुल थक करके अब जंभाई लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और अब उनको जो है नींद आ गई। तो जब उनको इस प्रकार से नींद आ गई तो उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और वो अपनी जंभाई लेकर के आराम से बैठ गए। तो अब कृष्ण को और उनके सैनिकों को मौका मिल गया। तो अब कृष्ण ने क्या किया, शिवजी से युद्ध छोड़ करके अब भगवान जो है बाणासुर की सेना के साथ में युद्ध करना उन्होंने प्रारंभ किया। तो भगवान ने जो है अपने बाणों के द्वारा बाणासुर की पूरी सेना का उसके ऊपर ऐसा आक्रमण किया कि सब भाग खड़े हुए वहां से। और भागवत में बताया है ठीक इसी प्रकार से प्रद्युम्न जी ने, उन्होंने जो है कार्तिकेय के साथ में बड़ा ही भीषण युद्ध प्रारंभ किया। और इतना भीषण वो युद्ध था कि कार्तिकेय जो है उनको अनेकों प्रकार की चोटें पहुंची और अपने वाहन मोर को लेकर के तुरंत वो भी जो है
रण को छोड़ करके भाग निकले, वो भी वहां से छोड़ करके चले गए। और इसी प्रकार अब बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने जो उनका जो सेना का जो दूसरा नायक था कुंबांदा और कुपकर्णा, दोनों को भगवान ने अपनी गदा के साथ में मार मार कर उनके हाथ पांव तोड़ दिए। तो अब क्या हो गया, अब बाणासुर की जो बाकी सेना थी उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था, क्या करना है, कहां पर जाना है, किस प्रकार से करना है। तो क्योंकि सेना का नायक नहीं है, तो जब सेना का नायक नहीं है इस प्रकार से उनकी सेना जो है एक प्रकार से पूर्ण रूप से बिखर गई। और भगवान ने भी क्या किया, कृष्ण भगवान ने जो भी शिव जी के जो बाकी वहां पर भूत गण थे, पिशाच गण थे, उन सबको जो है मारना प्रारंभ किया। तो बाणासुर ने जब देखा कि शिव जी भी अब वहां पर युद्ध नहीं कर रहे हैं और उनके जो भूत गण थे, प्रेत गण थे, वो भी तितर बितर हो गए हैं, उनके सेना के नायक भी घायल हो गए हैं, कार्तिकेय भी घायल हो गए हैं, प्रैक्टिकली कोई वहां पर युद्ध करने के लिए नहीं है। वो सत्याकी के साथ में युद्ध में लगा हुआ था बाणासुर, तो उन्होंने सत्याकी को छोड़ा और अब वो स्वयं कृष्ण के पास में युद्ध करने के लिए आ गए डायरेक्टली। और बाणासुर के पास में 1000 भुजाएं थी, अपनी 1000 भुजाओं में 500 के ऊपर उसने जो है बाण लिए और 2000 बाण एक साथ में चलाए, धनुष लेकर के 500 हाथ में धनुष लेकर के 2000 बाण उसने जो है एक साथ में चलाए। लेकिन इस मूर्ख बाणासुर को पता नहीं था कि भगवान सर्वशक्तिशाली है, सभी को शक्ति प्रदान करने वाला वो स्वयं भगवान कृष्ण है, भगवान को वो क्या चुनौती दे सकता है। भगवान ने तुरंत अपने बाणों के द्वारा उसके सारे के सारे बाणों को विफल कर दिया, बाणों को तोड़ दिया। बाणों को तोड़ने के पश्चात में भगवान जो उसके रथ था उसके रथ के सारे घोड़ों को मार गिराए, रथ को भी तोड़ दिया। अब बाणासुर जो है उसको नीचे उतरना पड़ा। बाद में भगवान ने अपना शंखनाद प्रारंभ किया। अब भगवान ने जैसे अपना शंखनाद प्रारंभ किया, क्योंकि भगवान अब उसके सिटी के अंदर में, नगर के अंदर में घुसना चाहते थे, तो इस समय में बाणासुर जो है एक देवी का उपासक था, कोटरा। तो ये कोटरा जो देवी थी उसने अपना एक भयानक रूप धरा, वो स्त्री के रूप में थी, उसके सारे बाल बिखरे हुए थे और उसको पता था। और उसने क्या किया, पूर्ण रूप से बिना किसी वस्त्र धारण किए हुए नग्न रूप से भगवान कृष्ण के सामने आई। तो भगवान कृष्ण जो है किसी स्त्री को इस प्रकार से नहीं देखना चाहते थे, तो भगवान ने अपना मुख फेर लिया। तो जैसे ही कृष्ण ने अपना मुख फेरा, बाणासुर को अब मौका मिल गया, अब अवसर प्राप्त हो गया। तो इस देवी की सहायता से अब इस बाणासुर को जो है अवसर प्राप्त हो गया, वो वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ। वहां से भागने के पश्चात सीधा उसने सोचा अब युद्ध नहीं करूंगा, दोबारा अपने महल के अंदर में जाकर के जो है अपनी नगरी के अंदर में जाकर के घुस गया। और यहां पर अब शिवजी जो है उन्होंने सोचा कि अब मैं अपना फाइनल अस्त्र जो है अब उसको प्रयोग मुझे करना ही पड़ेगा। ये जो उन्होंने जो इसको कहते हैं शिवा ज्वरा, ये बड़ा ही भीषण अस्त्र होता है। कहा जाता है कि इसका प्रयोग केवल प्रलय के लिए किया जाता है। प्रलय के समय में क्या होता है, सूरज का तापमान 12 गुना बढ़ जाता है। आप सोच सकते हैं 12 गुना का मतलब क्या होता है। अगर सूरज 1 डिग्री भी अगर हमारे नजदीक आ जाता है, इतनी भीषण गर्मी हो सकती है कि संसार के अंदर में कुछ जीवन बाकी नहीं रह जाएगा, सब कुछ जल करके राख हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं 12 गुना अगर सूरज का तापमान बढ़ गया तो क्या होगा। इसको कहते हैं शिवा ज्वरा। तो शिवा ज्वरा जो है, भगवान शिव जी ने अपना ये फाइनल, अपना अंतिम जो है अस्त्र इस प्रकार से छोड़ा। तो शिवा ज्वरा जो है भागवत में कहा है इसने एक व्यक्ति का रूप धरा, इसके जो है 3 सर थे, 3 पांव थे, और 3 सर और 3 पांव के साथ में भगवान कृष्ण की तरफ जो है ये चला। तो भगवान कृष्ण ने इसके विरुद्ध में नारायण ज्वरा भगवान ने जो है वो छोड़ा।
तो हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अगर अग्नि और तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो केवल उसको एक प्रकार से बर्फ जैसे होती है या पानी होता है, केवल वही उसके तापमान को कम कर सकता है। तो नारायण ज्वरा के द्वारा इसका तापमान जो है इतना ठंडा हो गया कि धीरे धीरे शिव ज्वर जो है उसका तापमान बिल्कुल कम हो करके बिल्कुल ठंडा पड़ गया। और ठंडा पड़ने के पश्चात अब शिव ज्वर जो है वो बिल्कुल डर गया कि मेरा जो है जो जिस प्रकार से मेरा प्रयोग होता है पूरे सृष्टि का प्रलय करने के लिए, वो प्रयोग भी अब बिल्कुल विफल हो चुका है। तो तुरंत जो है व्यक्तिगत रूप से अब ये शिव ज्वरा जो है भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ जाता है और जा करके भगवान से निवेदन करता है। और भागवत में वो बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं बताई हैं जो शिव ज्वर ने व्यक्तिगत रूप से, एक अस्त्र है लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से उसने भगवान कृष्ण से अनेकों बड़ी ही अनूठी प्रार्थनाएं की, तो इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।